कि फर्स्ट यूनिट प्लस वन का है। इसमें कुछ एक टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैं यहां पर टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं यही आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि एसटीपी का मतलब क्या है। एसटीपी को या तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कह सकते हैं, या तो इसका दूसरा नाम होता है एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273.15 केल्विन। हालांकि कैलकुलेशन में हम लोग राउंड फिगर में 273 ही लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर होता है 273.15 केल्विन, क्योंकि यह जो होता है यह 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। समझ में आ गया। प्रेशर, प्रेशर के कई यूनिट्स होते हैं, प्रेशर के कई यूनिट्स होते हैं, उसमें एटीएम हमें यूनिट लेना होता है। तो यदि यहां पर 1 एटीएम प्रेशर है और टेम्परेचर 273.15 केल्विन, तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। पेपर में बच्चों को कंफ्यूज्ड करने के लिए टेम्परेचर दे देता हूं वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर वहां पर दे देता है 760 mmHg। ये भी क्या कहलाएगा? एसटीपी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 273.15 केल्विन, और 760 mmHg का मतलब होता है 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, तो चाहे यहां पर 760 mmHg हो या 760 TOR हो, यानी कि 1 एटीएम के बराबर कोई भी प्रेशर दे देगा और इतने टेम्परेचर के बराबर किसी भी फॉर्मेट में दे दे, केल्विन में दे दे, फ़ारेनहाइट में दे दे, डिग्री सेल्सियस में दे दे, तो उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एसएटीपी, यहां पर जो एसएटीपी होता है इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर। यहां पर टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 298.15 केल्विन के बराबर। तो या तो आपको यह टेम्परेचर दिया गया हो या तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो, दोनों एक ही चीज होता है। और यहां पर प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम होगा। तो यदि टेम्परेचर यहां पर 0 ना देकर के 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो इसे आप एसएटीपी कहेंगे। अब यहां पर वीएम, वीएम का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। आप लोग पहले से जानते हैं कि यदि आपके पास 1 मोल कोई भी सबस्टांस हो, यानी कि कोई भी गैसियस सबस्टांस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैसियस सबस्टांस का 1 मोल हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसे कहा जाता है मोलर वॉल्यूम, और इसे आप वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक यहां पर जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये दो मैंने इक्वेशन लिखे हैं, एम का मतलब यहां पर मोलरिटी और वी का मतलब यहां पर हो गया वॉल्यूम, तो इसे भी कहा जाता है मोलर इक्वेशन और इसे भी कहते हैं मोलर इक्वेशन। यहां पर दोनों मोलर इक्वेशन है, लेकिन दोनों मोलर इक्वेशन का हम यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसिड है, उसमें आपने पानी मिला दिया, या फिर डिफरेंट टाइप्स के आपके पास एसिड्स हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने पास
ए बी और सी तीन अलग अलग H2SO4 है। यहां पर 0.5 एम है, यहां पर 1.5 एम है, यहां पर 2 एम है। ये 100 मिलीलीटर, यहां पर 200 मिलीलीटर और यहां पर मान लीजिए कि 500 मिलीलीटर। तो ऊपर वाला हो गया M1, M2, M3, ये हो गया V1, V2, V3। ये समझ में आ गया? ये हुआ हमारा M1, M2, M3, ये होगा V1, V2, V3। अब यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि आप इन तीनों एसिड को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो आपको नया एसिड मिलेगा उस एसिड का मोलेरिटी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? दो या दो से अधिक टाइप के यदि सेम एसिड हैं, इन सबों का मोलेरिटी अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, इन सबों को आपस में आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो आपको यहां पर मिक्सर मिला इस नए एसिड का मोलेरिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो जहां भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन नजर आ जाए वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तीन एसिड है तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू M4 V4 हो जाएगा। यदि यहां पर दो ही तरह का है तो इन दोनों को प्लस किए, प्लस करने के बाद जो मिला वो आपको तीसरा मिला। यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि यदि हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें 0.5 इंटू 100 ये हो गया M1 इंटू V1 प्लस 1.5 इंटू 200 ये हो गया M2 इंटू V2। अब तीसरा भी है तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 500 इक्वल टू M4, यानी कि इन सबों को यदि प्लस कर देंगे तो हमें नया मिलेगा, उस नए का नाम हमने रख दिया यहां पर M4 इंटू जो V4 होगा वह किसके बराबर होगा? इन सभी वॉल्यूम के सम के बराबर। तो 500 प्लस 2 700 प्लस 100 800 हो गया क्या? अब यहां पर सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 50 मिलेगा क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता है 1000 इक्वल टू M4 इंटू 800। अब यहां पर 1000 300 और 50 क्या मिला? 1350 इक्वल टू M4 इंटू 800। तो M4 कितना मिल जाएगा आप? 13 यानी 1350 डिवाइडेड बाय 800। इसे कैलकुलेट कर लीजिए जो मिला वो नए सॉल्यूशन का मोलेरिटी मिला। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से यूज करना है? ठीक है। उसके बाद यहां पर बहुत ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता है, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से कहा कि जी इसमें एन फैक्टर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको यहां पर एन फैक्टर दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा, दो अलग अलग काम के लिए। जब कभी भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है तो यहां पर लिखते हैं एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? तो एक तो एन फैक्टर हमारा ये हो गया। यदि इंपेरिकल फॉर्मूला को मोलिकुलर फॉर्मूला में बदलने के लिए यदि आपको एन फैक्टर निकालना है तो यहां पर एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? यहां पर लिखते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू CH2O,
एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O दिया गया है और मोलर मास आपको यहां पर दिया गया है 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। और कहा जा रहा है कि फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और इंपेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है लेकिन एन का वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें यहां पर एन पता कर लेना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन निकालते हैं। अब एन निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखिए क्वेश्चन में मोलर मास दिया गया है, आपने यहां पर लिखा 180, ये मोलर मास है। नीचे में क्या लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। अब यहां पर आप क्या करते हैं कि यह जो CH2O है, कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन है आपने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का होता है मोलर मास 1 एटॉमिक मास, और यहां पर दो हाइड्रोजन है इसलिए आपने इसे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का होता है 16 और एक ऑक्सीजन है तो आपने यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर मिला 12 + 2 + 16 कितना हुआ, 30 हुआ क्या? तो ये जो आपको 30 मिला ये क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यहां पर नीचे में आपने रखा 30, ये डिवाइड किए और आपको मिला 6, तो ये आपको क्या मिल गया, एन फैक्टर मिला क्या। अब आपको निकालना है यहां पर मोलर मास, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला, तो एन के जगह पर आप क्या रखेंगे, 6 लिखेंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला की जगह पर आप रखते हैं CH2O। अब इस 6 को कार्बन से हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा C6H12O6, क्योंकि यदि यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो ये 1 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 इस 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया आपको मोलिकुलर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा पेपर में, ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा एन फैक्टर निकालने के लिए जो हमें नॉर्मेलिटी में जरूरत पड़ती है, तो नॉर्मेलिटी में जो हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है उसे हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। हेलो प्लीज, अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी में जो एन फैक्टर की जरूरत होती है। यहां पर समझ लेते हैं, सबसे पहले एक होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। एक्चुअली मैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट जरूर बोल रहा हूं लेकिन केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट का मतलब इक्विवेलेंट मास ही होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहां पर समझिए कि इस एन फैक्टर का मतलब क्या है, यहां पर एन फैक्टर का कुछ और ही मीनिंग बनता है। नंबर एक में यदि हम लोग यहां पर फॉर एसिड यानी एसिड के लिए बात करें तो यहां पर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल, यानी कि किसी भी एसिड में कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन का मतलब यहां पर हुआ, या इसी को यहां पर बेसिसिटी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी एसिड में बेसिसिटी, हाँ भाई एसिड में जो रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन होता है इसी को हम बेसिसिटी कहते हैं।
अब आपके पास यहां पर HCl है, H2SO4 है, HNO3, H3PO4, H3PO3, इस तरीके से अलग अलग एसिड है। ये दूसरा मोहित नहीं आया है क्या? वो भी इंस्टॉलमेंट में ही आता है। हाँ, कभी आता है कभी नहीं आता है। चलो, उधर तो तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर 3 और इसका एन फैक्टर यहां पर 2 होगा। यदि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा तो इसका मतलब हुआ कि जी आप तो मुझे रटवा रहे हैं। कोई ऐसा टेक्निक बताइए जिसमें कि कोई भी एसिड लिख दिया जाए और मैं अपने आप उसमें से पता कर लूं कि उसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। यहां तक समझ में आ गया? आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली जो भी एसिड्स होते हैं वो जनरली ऑक्सो एसिड से मिलते हैं। यहां पर HCl को छोड़कर बाकी जितने भी एसिड्स आप देख रहे हैं ये सब के सब ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है जिस एसिड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। यहां पर ऑक्सीजन है, ये जितने भी देख रहे हैं सबों के पास क्या है? ऑक्सीजन है, इसलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ऑक्सो एसिड्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? आपको यहां पर यदि ये पता करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर यदि आपको ये पता करना है कि किसी भी एसिड का बेसिसिटी कितना है, या कोई भी एसिड है जब वह किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वह कितने हाइड्रोजन लूज करेगा, उसके लिए आप यहां पर क्या करते हैं? जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया है इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका समझो। मान लीजिए कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको यह याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम में मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी फॉर्मूले में जिस एटॉम की संख्या कम हो, किसी भी फॉर्मूले में जिस एटॉम की संख्या कम हो उस एटॉम को हमें बीच में रखना होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। कम कौन सा एटॉम है? इसका मतलब फास्फोरस को आप बीच में रखेंगे। आपने फास्फोरस को बीच में रखा। अब याद करो कि फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। अब वो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस तरीके से होते हैं? 3 अनपेयर्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। तो ये 3 अनपेयर्ड हो गए और 1 लोन पेयर हो गया, टोटल 5 हो गए क्या? आपको यहां पर क्या याद रखना है कि फास्फोरस के कोई भी आप ऑक्सो एसिड लिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन इस लोन पेयर के साथ जोड़ना है और वो भी डबल बॉन्ड के साथ। यदि मैं इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं तो 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन को हमने यहां पर जोड़ दिया क्या? अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 2। अब जो भी ऑक्सीजन बचे सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसके साथ जोड़े, एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा। अब तीनों ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब क्या बचे हुए? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन यहां पर बचा हुआ है पहले उस ऑक्सीजन को देंगे जिस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, अभी एक ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन इसको दिए, एक हाइड्रोजन इसको दिए। अब जो हाइड्रोजन बच गया वो फास्फोरस को देंगे। यहां तक समझ में आया क्या? अब आप ये देख लें कि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ लगे हुए कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो एन फैक्टर कितना हुआ? 2। समझ में आया क्या? यदि मान लीजिए कि आपको मैं
एक दूसरा एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। आपने एक नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये कार्बन है, इसके साथ दूसरा कार्बन ये है, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड वाले के साथ एक हाइड्रोजन है। तो बताइए कि इसका एन फैक्टर कितना होगा? एक होगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है यह रिप्लेसिबल हाइड्रोजन है। चलिए एक और ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं C2H2O4, C2H2O4। अब दो कार्बन है, आपने यहां पर दो कार्बन लगा दिए। भाई कार्बन के टोटल फोर बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए, एक डबल बॉन्ड ओ, एक डबल बॉन्ड ओ, एक ओ इधर, एक ओ इधर। देखिए कार्बन के फोर बॉन्ड्स हर जगह कंप्लीट हो चुके हैं क्या? और यहां पर जो ऑक्सीजन है इसके एक ही बॉन्ड पूरे हुए हैं, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पूरे होने चाहिए, तो इसके बॉन्ड को पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपने यहां पर दिया, एक हाइड्रोजन यहां पर दिया। एक्चुअली इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो बताइए ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? अब समझ में आया? किसी भी एसिड का एन फैक्टर किस तरीके से हम निकालते हैं, और एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिप्लेसिबल हाइड्रोजन। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं नंबर टू में, फॉर बेस। किसी भी बेस का एन फैक्टर यदि आपको पता करना हो, बहुत आसान काम है। किसी भी बेस का यदि आपको एन फैक्टर पता करना है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना होगा कि उसके फार्मूले में कितने OH हैं। यदि किसी बेस का एन फैक्टर पता करना है तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पता करना है कि हाउ मेनी OH ग्रुप इन इट्स फॉर्मूला। मान लीजिए कि हमारे पास NaOH है, CaOH होल ट्वाइस है, AlOH होल थ्राइस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH है? इसका मतलब कि इसका N फैक्टर 1 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास दो OH है, इसका मतलब कि इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास तीन OH है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। आसान हो गया क्या? आपने एसिड और बेस दो चीजों का समझ लिया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं फॉर आयनिक सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है? देखो बाहर में कौन है, मेरा मोबाइल है नहीं तो मैं यहीं से देख लेता। अरे पूछन कौन है? ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग आयनिक सॉल्ट का, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं आयनिक कंपाउंड कह दीजिए या आयनिक सॉल्ट कह दे। आयनिक कंपाउंड में हमने यहां पर ले लिया Al2O3 और आपसे पूछ दिया गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया?
कोई भी आयनिक कंपाउंड है, और आपको यहां पर यह पता करना है कि व्हाट इज इट्स एन फैक्टर। देखो यहां पर एन फैक्टर का मतलब क्या है कि जब यह कंपाउंड बना होगा तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया होगा, इस कंपाउंड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है। तो आप यहां पर क्या करें, इसको आयन के रूप में तोड़ दें, क्योंकि जब यह आयनिक कंपाउंड है तो यह आयन में ब्रेक हो जाएगा, आपको मिलेगा 2Al3 पॉजिटिव और यहां पर 3O2 नेगेटिव। अब यहां पर या तो केवल केटायन से आप पता कर सकते हैं या तो फिर एनायन से पता कर सकते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या है। जरा ध्यान से देखो, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्ज हैं, तीन, और इससे आपको कितने एल्यूमिनियम आयन मिले हैं, दो एल्यूमिनियम आयन मिले हैं ना, तो इस चार्ज को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, समझ में आ गया, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। आप कहेंगे जी नहीं, मैं तो कैटायन से पता नहीं करूंगा, मैं तो एनायन से पता करना चाहता हूं, कर लो, तो यहां पर 3 ऑक्साइड आयन है और एक ऑक्साइड के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करें, तब भी आपको क्या मिला, 6 मिला क्या। एन फैक्टर कभी भी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, एन फैक्टर कभी भी निगेटिव पॉजिटिव हम नहीं लिखते हैं, ये सब के सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहां पर इसका आपने एन फैक्टर निकाल लिया। अब यहां पर बात कर लेते हैं फॉर, ये पहला, दूसरा, यहां पर थर्ड नंबर हो गया। अब मैं यहां पर फोर्थ नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। यदि मान लीजिए कि सिंपल कोई एलिमेंट हो और हमें वहां पर एन फैक्टर निकालना है, तो किसी एलिमेंट का एन फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो किसी एलिमेंट का या एटम का या आयन का एन फैक्टर निकालने का तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपको ये बोल दिया फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नंबर एक में H2SO4, नंबर टू में Al2O3, नंबर थर्ड में मैग्नीशियम, नंबर फोर्थ में CaOH3। फटाफट निकालो तो भाई। अब H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, 98। इसका एन फैक्टर क्या होगा, 49। कितना है, 49। अब समझ में आया, H2SO4 कोई भी फॉर्मूला आपको दिया गया है, आप यहां पर देखिए कि क्या क्या चीज है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक होता है, आपने 1 लिखा, कितने हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई किए, एक नया एलिमेंट आ गया, प्लस का निशान लगा देंगे। सल्फर का कितना होता है, 32, कितना सल्फर, एक, फिर नया एलिमेंट आया, प्लस का निशान लगाए। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितने हैं, 4। अब यहां पर 1 × 2 मिला, यहां पर 32, यहां पर 64, इन सबों को प्लस करो, कितना मिलेगा, 98 मिलेगा क्या। अभी आपने 98 लिखा, इसको कुछ नहीं माना जाएगा, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ठीक है। अब इसी तरीके से बताइए
कि यदि आपके पास यहाँ पर Al2O3 है तो इसका मोलर मास कितना होगा? 27 × 2 प्लस 16 × क्या हो गया 3, यहाँ पर 54 + 48 102 आया क्या? समझ में आ गया? तो अब बताइए कि मोलर मास तो आपने लिखा 102 और Al2O3 का एन फैक्टर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 6 से डिवाइड करो 17 आ गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 24 और मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना होगा? 2 डिवाइड कर दो कितना आया? तो मैग्नीशियम का यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 12 हो गया। यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालो 74 बिल्कुल सही। और इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 का होगा, 2 है क्योंकि जितने OH होंगे उतने ही इसका होगा, 2 हो गया। अब इसको कट कर दो कितना हो गया? तो N फैक्टर निकालने के लिए जान गए क्या? किन्हीं को कोई डाउट? यदि आप N फैक्टर निकालने के लिए जान गए तो अब देखो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। 0.9 सर, बस मुझे दे दीजिए, जाने के टाइम में ले लीजिएगा। वो व्हाट्सएप दिखा दो कौन सा करना है, वीडियो बच्चे का देख, वो आप पे हो जाएंगे। मैं सबको कर दूंगा सर जी, फिर भी बता दीजिए किसको करना है। कैसे वो करते हैं, इसमें आएगा ना बोले अब टूल्स में प्ले स्टोर में जाके अबाउट फोन यहाँ पर कैसे था पता नहीं, मैं तो भूल गया। गेम गाम निकलने सर अब दो ही तो बचे हैं अपडेट होने के लिए, बाकी सब हो चुके हैं, केवल दो ही होंगे। नो नो तो और ही कहते बच्चे पता नहीं क्या मैंने किया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू बी कितना है? 9.8 ग्राम। एम बी आपका यहाँ पर हो गया 98 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम आपको दिया गया है 200 मिलीलीटर। आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। और मोलेरिटी निकालने के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है? 9.8। आपने 9.8 लिखा, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का आपने कितना निकाला था? 49 निकाले थे क्या? आपने यहां पर लिखा 49 इंटू 1000। वॉल्यूम कितना है? 200। 200 से ये कट गया, कितना आया? 5। इस पॉइंट को हटा दो
यहाँ पर 10 लगा दो, ये कट गया, कितना आया 2 से ये कट गया 5 से ये कटा, क्या आया 1 आ गया क्या। अब हमें निकालना है मोलेरिटी, डब्ल्यू बी आपके पास कितना है 9.8, मोलर मास आपके पास 98, 1000 डिवाइडेड बाय 200, ये कट हो गया 5, ये कट हो गया 10, क्या मिला 0.5 मिला क्या। अब इसके आगे यूनिट लगा दो, नहीं कुछ पता है तो एन यहां पर लगा दो, एम यहां पर लगा दो, समझ में आया क्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट तो सिखाया था, भूल गया ये मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल, जहां भी ग्राम पर मोल लिखा हुआ है ये मोलर मास है और ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने वहां पर क्या बताया था, मोलर मास 98 है क्या और n फैक्टर H2SO4 का हम लोगों ने कितना निकाला था 2, देख लीजिए 49 आया क्या, ठीक है। अब 10 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, केवल इस क्वेश्चन को आप देख लें कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सकते हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सकते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो ऊपर में मैंने टॉपिक के नाम दे दिए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने यही लिखवाया था कल। उसके बाद स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन, इसके अंदर आ जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। दोनों साइड में लगभग एक ही तरह की चीज है,